दोस्तों आप सबका स्वागत है और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं फिल्म मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर। खुले में शौच जैसी गंभीर समस्या को लेकर बनी ये एक 2019 की सोशल ड्रामा फिल्म है, डायरेक्टेड बाय राकेश ओम प्रकाश मेहरा। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्म की कहानी की। तो फिल्म की कहानी दो कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जो पहला कैरेक्टर है वो है कन्हू का कैरेक्टर, जो कि 8 साल का एक बच्चा है, और इसके अलावा उसकी माँ जिसका नाम सरगम है, जो कि गांधीनगर नाम के एक जगह पर रहते हैं। पर अचानक होली के दूसरे दिन कन्हू की माँ के साथ एक घटना हो जाती है, जिसके बाद में कन्हू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाता है, और वो प्राइम मिनिस्टर को एक पत्र लिखता है जिसमें वो टॉयलेट बनवाने की मांग करता है। और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि कन्हू को ऐसा लगता है कि वो जो घटना उसकी माँ के साथ हुई, उसके होने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण था वो था टॉयलेट। अगर उसके घर में टॉयलेट होता तो उसकी माँ को बाहर नहीं जाना पड़ता और इस तरह की घटना कभी हो ही नहीं पाती। तो ऐसी क्या घटना हुई थी, क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, क्या टॉयलेट उसके घर में बन पाता है कि नहीं, इसके अलावा सिर्फ वही नहीं बल्कि गाँव की जो बाकी सारी औरतें हैं उनको भी इस तरह की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, तो क्या उनकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा, क्या उनको टॉयलेट मिल पाएगा, क्या वो जिस समस्या से जूझ रहे हैं उनका निजात हो पाएगा फिल्म के आखिर तक में। तो इसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अगर मैं खुद की बात करूं तो मुझे इस फिल्म से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि इससे पहले जो हल्का फिल्म आई थी तो मुझे लगा था कि ये फिल्म उससे ज़्यादा बेहतर होगी और ज़्यादा अच्छी तरीके से हमारे सामने उस फिल्म को पेश किया जाएगा। लेकिन ये फिल्म मेरे सामने खरी नहीं उतर पाई है, क्योंकि इस फिल्म की जो कहानी है वो बहुत ही वीक है, इस फिल्म की जो स्टोरी है बहुत ही कमज़ोर है। इसके अलावा फिल्म में कैरेक्टर डेवलपमेंट बिल्कुल ही बेकार है, मैं ऐसा बोलूँगा, क्योंकि फिल्म में कैरेक्टर डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया गया। फिल्म तो पहले से कमज़ोर है ही, इसके अलावा फिल्म में इतने सारे सबप्लॉट्स हैं, इतने ढेर सारे सबप्लॉट्स हैं कि उनको ही कवर करने के चक्कर में फिल्म अपने मुख्य मुद्दे से भटक जाती है। हम जब तक फिल्म देखते रहते हैं, जब फिल्म वापस उस मुद्दे पर आती है तब हम ये भूल ही जाते हैं कि फिल्म हम क्या देख रहे थे, फिल्म में हमें क्या देखना चाहिए था और फिल्म हम किस लिए देख रहे थे, वो हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं। इसके अलावा फिल्म में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, जो तो कैरेक्टर के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ, उनके बीच का रिलेशन, उनके बीच का जो प्यार है, उनका एक दूसरे के प्रति जो प्यार, जो स्नेह दिखाना चाहिए था, वो डायरेक्टर हमारे सामने अच्छी तरीके से दिखा नहीं पाए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, फिल्म का जो मेन फोकस होना चाहिए था वो उनके ऊपर होना चाहिए था, साथ ही साथ जो गांधीनगर की महिलाएं हैं उनको किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और साथ ही साथ उनके आसपास का माहौल किस तरह का है, उनको किस तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं उन्हें, क्या इस समस्या का हल हो पाएगा नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में भी फिल्म में हमें दिखाना चाहिए था। फिल्म की शुरुआत में जैसे ही फिल्म की कहानी बढ़ती है तो फिल्म शुरुआत में देखने में ऐसा लगता है कि हाँ, फिल्म एकदम सही जगह पर चल रही है, फिल्म देखकर हमें लगता है कि फिल्म अपने मुद्दे से नहीं भटकेगी, पर जैसे ही 1 या 2 मिनट बीतते हैं उसके बाद फिल्म अपनी कहानी से भटक जाती है, फिल्म कुछ और ही दिखाती है, फिल्म सब प्लॉट्स को ही भुनाने में इतना ज़्यादा मग्न हो जाती है कि वापस आने में उसे काफ़ी वक्त लग जाता है। तब तक तो हम भूल भी जाते हैं कि ये फिल्म आखिर किस बारे में थी। अगर हम बात करें एक्टिंग की तो फिल्म की अगर कोई जान है तो वो कन्हू है, और उसके जो भी सारे दोस्त हैं वही है फिल्म की जान। इसके अलावा फिल्म में बाकी ने भी अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश की है, लेकिन फिल्म की कहानी ही कमज़ोर है तो एक्टर क्या कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि फिल्म में इतने ढेर सारे सबप्लॉट्स ना रखे जाते और साथ ही साथ फिल्म का जो मेन फोकस है वो मुख्य मुद्दे पर ही रखा जाता तो फिल्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो सकती थी, और ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैसेज भी दे सकती थी। लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस फिल्म को देखने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। जो आशा लेकर हम इस फिल्म को देखने जाते हैं वो हमें निराशा बनकर ही लौट आती है, तो कुछ ऐसी है ये फिल्म। फिल्म का सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा था, फिल्म को अगर बेहतरीन तरीके से हमारे सामने पेश किया जाता तो फिल्म बहुत अच्छा मैसेज देती और फिल्म साथ में हमको बहुत एंटरटेन भी कर सकती थी, जो कि यहाँ पर वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई हैं। इसके अलावा मैं बोलना चाहूँगा कि फिल्म को रियलिस्टिक दिखाने के लिए फिल्म का जो बैकग्राउंड है उससे कोई भी किसी भी तरीके से छेड़खानी नहीं की गई है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा फिल्म की कहानी पर भी इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से ध्यान दिया जाता तो और भी काफ़ी बेहतर हो सकता था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये फिल्म हमें निराश ही करती है, और फिल्म से हम जितनी उम्मीदें रखते हैं ये फिल्म हमें उम्मीद से ज़्यादा तो दे ही नहीं पाती, ऊपर से हमें और भी ज़्यादा
निराश ही करती है। तो जहाँ तक बात रही इस फिल्म को रेटिंग देने की, तो मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 4 out of 10 stars। बाकी दोस्तों आप अपने विचार से बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में फिर किसी दूसरे नए मूवी के रिव्यू के साथ। जोहार।